नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का महामुकाबला आज शाम दुबई में होने जा रहा है। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है। क्रिकेट की दीवानगी फैंस में सिर चढ़कर बोलती है। फिर सामने अगर पाकिस्तान की टीम हो तो ये मुकाबला और भी दिलचस्प बन जाता है। भारतीय प्रशंसकों ने भारत की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना और आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच मुरादाबाद कानपुर से एक शानदार तस्वीर सामने आई है, जहां फैंस ने हवन कराया और टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी। बहुत खुशी हो रही है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और इंडिया पाकिस्तान का आमना सामना होगा। दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। बाबर आजम कैप्टन है, विराट कोहली कैप्टन है और दोनों लोग मतलब अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान टीम भी कोई ख़राब टीम नहीं, वो भी अच्छी टीम है और इंडिया भी तो अच्छी है। उसमें न्यू यंगस्टर्स भी हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या से ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि वो अच्छा खेलें। देखिए, ऐसा में अभी तो आशा हम लोग हैं कि ऑलराउंडर किसको खिलाया जाए, तो वो हार्दिक पांड्या रहेंगे, जो मतलब उनको एक्सपीरियंस तौर पर खिला सकते हैं हार्दिक पांड्या जी को। और क्या उम्मीदें हैं? और उम्मीदें यही है कि हमारे देश अच्छा करे, जीते और विराट कोहली से यही कहा जाए कि अच्छा खेले। और जय हिंद, जय भारत। मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा तो है धोनी पर, क्योंकि धोनी बता रहा है सब। अगर धोनी नहीं बताए तो ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं जीतती इंडिया। इंडिया पाकिस्तान का ये मैच है, राइवलरी है बहुत अच्छी, लेकिन मैं एक ही चीज़ होप करूंगा कि चैंपियन ट्रॉफी में हारी है इंडिया पाकिस्तान से। ये मत भूले कि रिवेंज उसका बहुत अच्छा लेना था। मैं ये चाहूंगा 10 विकेट से मैच जीते इंडिया। नहीं, 100% उम्मीद है, 200% कभी, क्योंकि प्रेशर में पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है पहली बात तो। दूसरा, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, उसका जवाब भी हमें देना है। हाँ जी, उत्साह तो होता है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत जीतेगा गेम में पूरा। अच्छा, भारत देगा अपना और भारत भी जीतेगा। मजबूत टीम है और बहुत लंबे समय से पाकिस्तान को पीटता ही आ रहा। अच्छा लग रहा है, इंडिया जीतेगा। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा गेम हो, मैं ये नहीं चाहता ये टीम जीते, मैं चाहता हूँ अच्छा गेम हो। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण चंद्रा हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ दिलीप यादव जो कि अमेठी में इस वक्त मौजूद है। दोनों का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अरुण, आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महामुकाबला आज है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये महामुकाबला होना है, कितना जोश वहाँ लोगों में दिखाई दे रहा है? देखिए साहिल, बिल्कुल बता दूं कि जो भारत पाकिस्तान का मैच है, ये मैच एक अपने आप में दिलचस्प होता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की हमेशा, या क्रिकेट ग्राउंड पर बात की जाए या फिर बात की जाए आपकी बॉर्डर पर, हमेशा तनातनी लगी रहती है और हमेशा ही पाकिस्तान ने हार का मुंह देखा है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो चाहे बॉर्डर का मैदान हो। और जिस तरह से आज का जो मैच है, क्योंकि एक दर्शकों को भी एक लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि करीब 8 साल बाद आज भारत जो है पाकिस्तान से भिड़ेगा और हर आदमी में ये एक उत्साह है कि आज पाकिस्तान फिर से धूल चाटेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, ये वो टीवी स्क्रीन है जिसको दर्शक अभी से लगा के बैठ चुके हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि दर्शकों में कितना उत्साह है। यानी 7:30 बजे का जो इंतजार है दर्शकों पर, बिल्कुल भी अभी जो समय है वो नहीं कट पा रहा है और समय का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। कई जगह LED का जो रोड पर LED लगाई जाएंगी आज और जश्न मनाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है साहिल के आज गाजियाबाद या तमाम उत्तर प्रदेश या भारत में आज दिवाली के टाइम से पहले ही दिवाली मनाई जाए, तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुपेंद्र। रुपेंद्र जी, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, कैसा लग रहा है? काफी समय के बाद भारत पाकिस्तान का मैच है तो उसे देखने का मन के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, तो बस हम वेट कर रहे हैं 7:30 बजने का। जैसे ही 7:30 बजे, क्या लगता है कि भारत जीतेगा? भारत जीतेगा। तो साहिल, बिल्कुल जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, एक हमारे साथ और भी भाई जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवीन चौधरी। नवीन जी, क्या लगता है कि किस समय के इस जो 7:30 बजे का टाइम है, किस तरह से काट पा रहे हैं आप? सर, बड़ा कटना बहुत कठिन हो रहा है, थोड़ा टाइम पहले हो जाता तो अच्छा रहता,
लेकिन इसे इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान ही हारा हमेशा। जी, तो हमारे साथ बिल्कुल साहिल लोग जुड़े हुए हैं, उत्साह से भरपूर हैं, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, एलईडी लगाए हुए हैं और बिल्कुल जो समय का इंतजार था, सिर्फ 7:30 बजे के समय का इंतजार कर रहे हैं साहिल कि किसी तरह से 7:30 बजे और हम एक वो भिड़न देखें जिसको पूरा विश्व देखता है साहिल। चलिए अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप यादव हमारे सहयोगी अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, अमेठी की क्या स्थिति है, वहां पर लोगों में कितना ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां आज के महामुकाबले के लिए की गई हैं? बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का जो ये महामुकाबला 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार स्टार्ट होगा, हम इस समय अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी के ये जो सड़कों का आप देख रहे हैं जिस तरह से ये हलचल है, या निश्चित रूप से 7 बजे से जो है ये हलचल बिल्कुल बंद हो जाएगी, सड़कों पर सन्नाटा हो जाएगा। लोग खासे उत्साहित हैं इस मैच को लेकर। आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल लोग आ जा रहे हैं, सड़कों पर भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लेकिन यही जो सड़कों का सन्नाटा 7 बजे से आपको लोग जो है टीवी के साथ चिपके हुए नजर आएंगे। हमारे पीछे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आज इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला है वर्ल्ड कप का, तो इसमें कैसे आपको देखते हैं, कैसे क्या कहेंगे? इंडिया जीतेगी, इंडिया में रहते हैं। किन खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास है जो है आपको इंडिया के? विराट के ऊपर भरोसा है। बॉलर में क्या लगता है कौन करिश्मा दिखाएगा? अभी तो बॉलर तो निश्चित रूप से इंडिया जीतेगी। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? आज इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई पहले छोटी बात तो मैच में रुचि नहीं, तो ये खासकर जो है क्रिकेट में इनकी रुचि नहीं है। और भी लोग हमारे साथ, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है साहिल। चलिए ठीक है दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरुण हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज महामुकाबले के लिए कई जगहों पर हवन पूजन भी किया जा रहा है और भारत की जीत की दुआएं यहां पर मांगी जा रही हैं। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जो अभी तक का रिकॉर्ड बना हुआ है वो आगे भी कायम रहे, और भारत जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का मैच होता है तो खासा एक अलग ही उत्साह पूरे देश भर में देखने को मिलता है, और आज भी वही उत्साह बरकरार है। 7:30 बजे का इंतजार है कि कब ये महामुकाबला शुरू हो और उसके बाद भारत की जीत हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।